बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने ब्रांड न्यू वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को मेरे लास्ट लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों के माइंड में किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट की मैंने फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्टली जो होता है ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस किस तरह क्या लॉन्ग क्वेश्चन में लिखें। तो आज हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो जस्ट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी वर्किंग मेन जो इसकी वर्किंग होती है वो नहीं लिखते। सो आप लोग स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ लेंगे और फिर आप लोगों के माइंड में आ जाएगा कि इस मेथड आ जाएगा क्या है, इसकी वर्किंग है क्या, इसकी फंक्शनैलिटी, फिर इस लिहाज से जो है आप जो है वर्किंग कर रहे लिख सकते हैं। आप लोगों के माइंड में समझ आएगी, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये होता है बेसिकली एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, जैसे हर इंसान का दिमाग होता है जिस जो और फिर अपने विदाउट एनी ब्रेन इंसान, किसी का ब्रेन काम नहीं करता तो वो हम कहते हैं ये पागल है ये बंदा। हम विदाउट ब्रेन यानी कि थोड़ी सी अगर ब्रेन कोई भी काम नहीं करता, थोड़ा सा कोई भी उसका कंपोनेंट जो है वो काम नहीं करा किसी भी इंसान को, तो हम उसको पागल कहते हैं कि ये जो है इसके सही इंसान काम नहीं करता, इसका दिमाग सही काम नहीं करता, ये उल्टी सीधी बातें करते हैं वो। विदाउट एनी ब्रेन जो है कोई भी इंसान जो सही तरह से वर्किंग नहीं कर पाता तो कंप्यूटर क्या करेगा। ब्रेन इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हर कंप्यूटर का एक सीपीयू होता है एंड सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पर आल्सो का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इसको हम आल्सो का प्रोसेसर कहते हैं। नाम से यह जाहिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो नाम से जाहिर है कि प्रोसेसिंग करता है, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट मैंने आपसे बताया था, डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर में बताया था कि प्रोसेसर जो होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, जो कि प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और उसके साथ मैंने आप लोगों को सॉकेट्स भी दिखाई थी। एंड आप देखेंगे कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। हर कंप्यूटर का अपने सीपीयू होता है और सीपीयू के बगैर जो है वर्किंग नहीं कर पाता कभी कंप्यूटर, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन है। बेसिकली प्रोसेसिंग जो हो रही है वो इसके थ्रू ही होती है, और जो भी हम डाटा जिस तरह का डाटा हम देते हैं कंप्यूटर को उसी तरह के हमारे पास आउटपुट आती है। यूज़र जो होता है हर कोई भी उसके इंटीजर्स अरिथमेटिक फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, फ्लोटिंग फॉर्म में, जितने भी फॉर्म में दे रहा होता है यूज़र को कंप्यूटर को, तो जो सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग है अपनी जिस कैटेगरी में डाटा होता है उसी तरह उस कैटेगरी में डाटा को जो है वो आउटपुट परफॉर्म करता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सीपीयू। हर कंप्यूटर का अपना एक सीपीयू होता है, हर कंप्यूटर जो होता है अपना एक सीपीयू रखता है। विदाउट एनी सीपीयू कोई भी वर्किंग कंप्यूटर जो है वर्क नहीं कर पाता, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता। लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे लोकेट होता है ये। मदरबोर्ड पे मैंने सिस्टम यूनिट में आप लोगों को दिखाया था कि ये प्रोसेसर है, मदरबोर्ड पे ये कंटेन होता है। कैरीज ऑफ मोस्ट ऑफ वर्क कंप्यूटर, ये मोस्ट ऑफ वर्क ऑफ कंप्यूटर जो है कैरी करता है। ज़्यादातर जो वर्किंग होती है वो इसी पे ही तो होती है, प्रोसेसिंग जो होती है वो इसी पे ही तो होती है। जो डाटा जो है प्रोसेसिंग करवाता है, आउटपुट लेता है, तो इस सीपीयू के थ्रू ही होती है। ऑल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है, गिवन करता है कंप्यूटर को, उसी लिहाज से जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जिस लिहाज का डाटा देगा कंप्यूटर उसको यूज़र, डिपेंड कर रहा होता है यूज़र पे किस तरह का डाटा देता है, तो उसी लिहाज से वो जो है कंप्यूटर जो है वो डाटा आउटपुट परफॉर्म करता है। अगर आउटपुट यूज़र के पास रॉन्ग आ रही है तो इट्स मीन ये होगा कि वो यूज़र की गलती हो गई। यूज़र अगर इनपुट रॉन्ग देगा तो आउटपुट भी रॉन्ग आती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है यूज़र पे किस तरह से डाटा देता है, उस तरह का आउटपुट आएगी। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस टेल व्हाट टू डू, ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया कि प्रोसेसर है तो ये प्रोसेसिंग करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और बताता है कंप्यूटर को व्हाट टू डू, क्या काम का करना है, क्या प्रोसेसिंग करवानी है, क्या इसकी यूज़र ने गिवन इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं, किस लिहाज से दी हैं, क्या उसने काम करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, ये
ये सीपीयू बताता है कंप्यूटर को। मोस्ट वर्क कैलकुलेशन एंड डाटा ट्रांसफर, मोस्टली जो वर्क वर्किंग होती है, जो वर्क होता है, जो इनपुट होती है, वो ये होता है, इसका जो वर्क वर्क होता है वो डाटा को कैलकुलेट करवाना है एंड डाटा ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, हर जो होता है वो अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो मोस्ट इसका जो मोस्टली वर्क होता है वो डाटा को कैलकुलेशन करवाना एंड डाटा को ट्रांसफ़र करवाना। सीपीयू, ये तो हमने देखा कि सीपीयू ये होता है, सीपीयू ब्रेन होता है, प्रोसेसिंग करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, इंस्ट्रक्शंस को बताता है कंप्यूटर को कि क्या टास्क क्या परफॉर्म करना है। सो इसके अंदर इसके दो पार्ट्स हैं सीपीयू के, इसको हम इसके टाइप्स भी बोल सकते हैं। एक होते हैं ALU एंड CU। इसको हम ALU मीन्स होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, एंड जो CU होता है इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। आज हम देखते हैं ALU क्या होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, ये पार्ट ऑफ सीपीयू है, सीपीयू का एक पार्ट है जिसके थ्रू जो है डाटा डाटा को ये भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन एट दिस प्लेस, जो एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है इस प्लेस पे हो रही होती है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू काम जाता है ज़्यादातर कैलकुलेशन करवाना और डाटा को ट्रांसफ़र करवाना। तो जो सीपीयू होता है इस फॉर्म में, इस पार्ट में डाटा जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, इसमें बताता है अरिथमेटिक के क्या टास्क परफॉर्म करना है। इस कैलकुलेशन जो बेसिक हो रही होती है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये अगर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है अरिथमेटिक लॉजिक अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकंड है लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक यूनिट, एक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारी हो रही होती है वो अरिथमेटिक यूनिट में हो रही होती है। अरिथमेटिक यूनिट जो होता है एडिशन करवा रहा था हमारा, सब्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, डिवीजन करवा, जो डाटा जो है टू दो चीज़ें हैं जैसे कि उनको प्लस करवा रहे हैं, दो भी ऑपरेटर हम दिए हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के, यूज़र ने आउटपुट हमारे पास आ रही है वो किस तरह से आ रही है, वो जो जो कैलकुलेशंस हो रही होती है वो हो रही होती है अरिथमेटिक यूनिट में। जो लॉजिक यूनिट है हमारा, लॉजिकल लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो लॉजिकल यूनिट होता है मीन्स कंपैरिजन आइटम्स, कंपेयरिंग आइटम, दो दो आइटम हमारे पास है उन दोनों को कंपेयर कर रहा है जो हमारा जो लॉजिक यूनिट है। फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, जो अगर यूज़र ने कमांड दी है उसको, कोई भी दो कमांड्स दिए हैं कि कौन सी दो या दो से ज़्यादा जितनी भी कमांड्स देता है, बताता है, पूछता है कंप्यूटर कि कौन सी ग्रेटर है, बताता है यूज़र को कि ये ग्रेटर है, ये लॉजिकल यूनिट का, ये जो लॉजिकल यूनिट है ये उसका काम है। इक्वल टू, कौन सी आइटम किसके इक्वल है, लेस देन आइटम कौन सी लेस देन है, ये इसका सैम्पल है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, लॉजिक यूनिट ये परफॉर्म करता है। जो अरिथमेटिक है वो जस्ट ये जैसे सब्ट्रैक्शन का बेसिकली हो रही होती है, कैलकुलेशन हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो हमारे करवा रहा होता है अरिथमेटिक। नेक्स्ट जो सीपीयू का पार्ट है, जो सीपीयू की टाइप है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल यूनिट। ये एक्ट लाइक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जैसे सुपरवाइजर हमारी निगरानी, जैसे कोई निगरानी करता है हमारे एग्जाम्स की, जो निगरानी जो कर रहे होते हैं सुपरवाइजर कहलाते हैं। ये जो होता है सुपरवाइजर है, ये जो एंटायरली जो वर्किंग हो रही होती है ये देख रहा होता है, ये उनको उसको कंट्रोल कर रहा होता है। नाम से जाहिर है कंट्रोल यूनिट है, ये सुपरवाइजर है हमारे सीपीयू का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल्स करता है और कोऑर्डिनेशन होती है इसमें, परफॉर्म टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स, और ये टास्क परफॉर्म करता है जो भी नेसेसरी कमांड जो है गिवन हो रही होती है, और उस लिहाज से उस कमांड्स के लिहाज से टास्क जो है परफॉर्म कर रहा होता है। आल्सो इसको हम आल्सो कॉल्ड क्लॉक पल्सेस, इसको क्लॉक पल्सेस भी बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोलिंग कर रहा होता है, इसकी सुपरवाइजर इसको बोलते हैं, सुपरविजन कर रहा होता है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है ऑल पार्ट्स ऑफ सीपीयू की, काम कर रहा होता है, क्या फंक्शनिंग किस तरह से काम हो रही है, क्या वर्किंग हो रही है, ये उस चीज़ को देख रहा होता है। सो ये इसको हम क्लॉक पल्सेस बोलते हैं। यूज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस, इसको हम
रेगुलेशन के लिए और ऑल ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है। अब जो ऑपरेशन है, जो बेसिकली ऑपरेशंस है, हमने तो देखा है कंट्रोल ऑल, हर ऑपरेशन को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, क्या कैसे ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं, किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो पहले जो इसका जो ऑपरेशन है वो है फैचेज इंस्ट्रक्शंस, इसका मीट्स मीन इंस्ट्रक्शन को फैच, इंस्ट्रक्शन को लेता है, ये इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करता है, देखता है कि क्या टास्क है परफॉर्म करना है और किस तरह से टास्क परफॉर्म करना है, क्या इसकी वर्किंग है, ये देखता है। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, एग्जीक्यूट किस तरह से प्रोसेसर करता है, हमारा जो सीपीयू किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और एग्जीक्यूशन देखता है, इंस्ट्रक्शंस जो गिवन होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, ये कंट्रोल यूनिट। ये इसकी थ्री बेसिक ऑपरेशंस है जो कि ये परफॉर्म करता है। आज का हमारा ये लेक्चर था। आई होप सो आप लोगों को मेरे ये लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों के माइंड में किसी भी चीज़ का, कोई भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आप लोगों के माइंड में किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी जो है ये ना हो कि आप किसी की समझ ना आई हो, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।